बनी मामा ब्लॉग चैनल की किसी भी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको आने वाली जो अपडेट हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, और ऐसे में बाहर जाना, सैलून जाना, पार्लर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में हमारे घर पर बैठ कर जो विमेंस हैं, गर्ल्स हैं, वो अपने लिए स्किन केयर जो रूटीन है वो पूरी तरीके से अपनाने की कोशिश कर रही हैं। बट क्या हो रहा है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर पर बैठ के हमें नहीं समझ पे आ पा रही हैं कि वो चीज़ें हम कैसे करें, जैसे कि आपकी आईब्रोज है, अपर लिप्स है, या फिर आपके हेयर जो आपके होते हैं अनवांटेड हेयर आपके फेस पे होते हैं, इनको रिमूव करना है, या फिर वैक्सिंग है, तो ये सारी चीज़ों को लेके अब आप क्या करें। तो ये सारी चीज़ों से परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ, कुछ ऐसे हैक्स लेके आई हूँ जिन्हें आप घर बैठे ही अपनी किचन में से जाके वो सारी चीज़ें आपको लेके आनी है, और फटाफट से उनको चीज़ें फॉलो करते जाना है उनको, और आपको देखिए आपको मिनटों में आपको मिल जाएगा उस चीज़ का सॉल्यूशन। तो प्लीज़ गाइज, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। जहां पसंद आता है तो फौरन उसको लाइक जरूर कर दीजिए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही किचन टिप्स जो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ आपकी स्किन को लेके, जो आपका फेशियल हेयर रिमूव करने में आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, यानी कि सम ब्यूटी हैक्स जो आपका DIY कह सकते हैं इसे। तो जो चीज़ें आपको, जो आपके अनवांटेड हेयर हैं जो आपके चेहरे पर हैं, आपके आईब्रोज एंड लिप्स चेंज जिसकी बात मैंने आपको बताया है, वो जो आपके चाहे हेयर्स आपके हैंड के हों या लेग के, जो वैक्सिंग की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है। सो वेलकम बैक टू बनी मामा, मैं हूँ प्रीति, और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फेस के ऊपर जो आने वाले जो हेयर्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए। तो आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पर टर्मरिक और मिल्क को लेना है और इसका गाढ़ा पेस्ट बनाना है। जो नॉर्मल आप जो लेते हैं, कच्चा दूध नहीं लेना है आपको इसमें, आप जैसे नॉर्मल होता है जिसको आप बॉयल करते हैं, उसी को थोड़ा ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, उसको टर्मरिक में अच्छे से मिला लेना है, और उसके बाद उसमें फेस पे अच्छा से पेस्ट बनाने के बाद गाढ़ा उसको अपने फेस पर लगा लेना है, और इसको 15 मिनट तक सूखने दीजिए। ड्राई होने के बाद इसे अपने हाथों से हल्का सा पानी लगा के इसको हल्के हल्के रब कीजिए, उसको हटाइए, उसके बाद इसे नॉर्मल वाटर से इसको धो दीजिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन पहले से ड्राई है। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी ऑयली लगती है आपको, तो वहां पर आप मिल्क की जगह आपको यूज करना है गुलाब जल। रोज वाटर आपके घर में जैसा कि सभी के यहाँ होता है, नॉर्मली सब यूज करते हैं वुमेन्स काफी लोग मोस्टली, तो यहाँ पर आपको उस दूध की जगह आपको टर्मरिक में गुलाब जल मिलाना है, और अपने फेस पे उसी सेम जो मेथड से आपको उसको अप्लाई करना है, और 10-15 मिनट के बाद उसको अच्छे से उसको वॉश करना है नॉर्मल वाटर से। ठीक है, तो ये आपके लिए, आप इसे ट्राई करके देखिए, आप देखेंगे आपके जो हेयर्स हैं वो आपके थोड़े से जहां तक होगा 90% आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे आपके चेहरे से, और आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। तो ये अच्छा खासा एक आपका फेस मास्क है जिसे आप घर बैठे बैठे ही अपने अनवॉन्टेड हेयर आप उसको रिमूव कर सकते हो फेस के अंदर से। तो काफी अच्छा है, ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद आपका सेकंड आता है कि आपको थ्रेडिंग की आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप थ्रेडिंग के लिए आप क्या करें। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ थ्रेडिंग के लिए, आपके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये रहेगा कि जैसे कि जो थ्रेड से आपने देखा है, जैसे अपने जो हेयर से अपना जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा एक आ गया है, दो आपको लगते हैं एक्स्ट्रा इधर एक को, तो आप वहाँ पर उसको अपने थ्रेड से अपने आप ही उसे निकालने को थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं उसको करने में। अगर आपको क्या है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप डेली इसे रूटीन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा करने का ट्राई करते रहिए, वो क्या जाएगा आपके रूटीन में थोड़ा सा आपको जैसे जैसे करते रहेंगे वैसे वैसे आपको ट्रायल बेस पे आपको करना आ जाएगा। और क्या होगा, ज्यादा दर्द हो रहा है, ज्यादा पेन हो रहा है खुद के हाथ से, क्योंकि गाइस दूसरों के हाथ जब से हमें जब इतना पेन होता है तो अपने आप से हमें थोड़ा सा डर भी लगता है, और ऊपर से क्या हमको आता भी नहीं है, तो हमको थोड़ा हो सकता है हमको दर्द ज़्यादा हो। तो इस पेन से थोड़ा सा छुटकारा पाने के लिए आपका सबसे अच्छा तरीका कि आप इसे डेली थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, जिससे आपका पेन भी खत्म हो जाएगा, और वो जो अनवांटेड हेयर आपको जो एक दो आपको साइड में दिखते हैं आईब्रोज पे, वो भी आपके निकल जाएंगे। तो इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए घर में, क्योंकि लॉकडाउन में बैठे बैठे तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना है, तो क्यों ना हम इस पर कुछ ट्राई कर सकते हैं अपना। लेकिन ध्यान रहे
आराम से स्लोली स्लोली, जल्दी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हैं अपना यूट्यूब से, अपना जो काफी सर्च करके इधर उधर से हेल्प ले सकते हैं, तो काफी अच्छा है, तो आप ट्राई करिए इसे। फिर तीसरी आता है आपका यहाँ पर हैक नंबर 3 की, आपका है यहाँ पर कि अपनी जो आपकी वैक्सिंग की प्रॉब्लम है, आपके घर में वैक्स नहीं है, अब मार्केट से हम खरीद के नहीं लेके आ सकते हैं, और हमें जो अपने वैक्स करना है, हैंड पे करना है, लेग्स पे करना है, आर्म्स पे करना है, तो इसके लिए हम क्या करें, तो आप घर पे बैठ के वो अच्छा खासा वो आप वो वैक्स बना सकते हैं। उसके लिए आपको किचन के अंदर से आपको लेके आना है यहाँ पर नींबू, आपको पूरा जितना आपको हिसाब से बनाना है उसी हिसाब से एक पूरा एक नींबू ले लीजिए, और उसके बाद आप पानी ले लीजिए और उसमें डालिए उसमें चीनी, उसको गाढ़ा पेस्ट बना के उसे खूब अच्छे से उसे गर्म कीजिए, उसे लो, आपको लो फ्लेम पे आप उसको अच्छे से उसको बॉईल करना है उसको अच्छे से, फिर देखेंगे आप इसे पानी नींबू का जो जो घोल बना रहे हैं वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। जब एकदम गाढ़ा हो जाएगा उसके, क्योंकि आपको काफी देर इसको रखना पड़ेगा इसको गैस पर, इसे फिर जब बन जाएगा तो उसे आप रखिए, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लीजिए, उसे स्किन पे फिर अप्लाई कीजिए जैसे आप वैक्स को अप्लाई करते हैं, और उस स्ट्रिप से आप उसे हटाते हैं उसे, तो आप एक बार इसे करके देखिए, ये बहुत अच्छा DIY है और मैंने कई बार इसे घर पे ट्राई किया है और मेरा अच्छा खासा ये काम करता है कि मतलब आप फॉर अ टाइम, आप जिस टाइम आपको जरूरत है तो आपको वो चीज आपका अच्छा सॉल्यूशन है कि आपका वो को मिल सकता है, तो आप इसे करिए। लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो पेस्ट है उसको आप एकदम गर्म बिल्कुल मत लगाइए अपनी डायरेक्ट अपनी स्किन पर, आपको करना है कि उसको थोड़ा सा हल्का ठंडा होने दीजिए, उसके बाद उसे अपनी स्किन पर अप्लाई कीजिए, और डायरेक्शन जैसा कि आपको पता है कि जिस बाल जहाँ डायरेक्शन होता है हमें उसी हिसाब से उसको लगाना है जो आपको पता होगा, तो आप उसके हिसाब से उसको अप्लाई कीजिए, तो ये भी काफी अच्छा है, तो आपकी जो ये वैक्सिंग की जो प्रॉब्लम है अच्छी खासी आपकी घर बैठे बैठे ही सॉल्व हो जाएगी। फिर हैक नंबर 4 की बारी है, यानी कि प्लकिंग। आपके पास प्लकर होगा, प्लकर तो मतलब ये है कि 98% जो वेमेन है जो घर पर अपना जो होता है अपने ब्यूटी जो अपना मेकअप होता है किट में, उसे जरूर रखते हैं अपनी आईब्रोज को सेट करने के लिए, तो वो गाइस अगर आप नहीं चाहते हैं कि पार्लर जाने से पहले जैसे लॉकडाउन खत्म हो और आप पार्लर जाएं और आपके आईब्रोज आपस में बिल्कुल जुड़ जाएं, तो आपको ये नहीं देखना है, तो आपके के पास एक मैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन देती हूँ, आपको करना इस प्लकर की हेल्प से रोज रेगुलर बेसिस पे अपनी आईब्रोज को थोड़ा थोड़ा शेप करते रहिए, जैसा कि आपको थोड़ा सा चलाना आता ही होगा, तो आप उसे क्या कहेंगे डेली उसे शेप देते रहिए, इससे क्या होगा कि जो आपकी आईब्रोज भी दिखने में ठीक लगेंगी, बिल्कुल शेप में रहेंगी, दूसरा क्या इसका शेप तो बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं है, दूसरा क्या आप जब तक तो पार्लर जाएंगे तो आपको उनको तो वो चीज आपकी वैसी ही रहेगी जैसी आपकी पहले थी, तो उसको रेगुलर बेसिस पे शेप करना प्लकर की हेल्प से बहुत जरूरी है, तो ये आप जरूर करें। उसके बाद हम बात करते हैं बैक स्ट्रिप्स की, यानी कि जो बैक्स वैक्स करने वाली जो स्ट्रिप होती है उसकी बात कर रहे हैं, अगर आपके पास है तो उसे ज्यादा खराब मत कीजिए, उसे आप बचा कर ही रखिए, क्योंकि वो आपके यूज करने में आपकी काम आ सकती है, आपकी जो आईब्रोज हैं, आपकी अपर लिप है, चिन की जो आपके हेयर्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। आपको करना क्या है, उस स्ट्रिप के छोटे छोटे आप उसके छोटे छोटे आप उसके पीस कीजिए, उसके मतलब करना क्या है, उसको छोटे छोटे में आपको उसको स्ट्रिप्स में काट लीजिए पतले पतले करके, जैसे अपनी आईब्रोज पे आप उसके जो आपके हेयर्स लग रहे हैं आपको वहां के निकालने के लिए, आपके अपर लिप का तो बहुत अच्छा वो काम करता है फॉर अ टाइम, तो आपका अच्छा खासा मतलब मुझे बढ़िया लगता है वो, तो आप वहां पर उसको लगाने के लिए आप उसे यूज कर सकते हो, चिन के बाल हैं आपके, आपके कहीं भी आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं इधर उधर के, तो आप उस वैक्स स्ट्रिप का यूज उसके लिए आप करने के लिए आप उसे जरूर रखें, उसको वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ये काफी अच्छा DIY है, इसको भी आप यूज करके देखिए, आपको काफी हद तक हेल्प करेगा इन सारी चीजों को। पास हमारा लास्ट है कि लेजर टिंकल, जो टिंकल लेजर है उसका यूज जरूर करें, घर में मोस्टली लोगों के पास रेजर भी जरूर होता है इसका, अगर आपके पास घर में है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत 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 बढ़िया बात है, क्योंकि इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको क्या करना है, इस रेजर की हेल्प से आप अपने जो फेस के जो हेयर है उसको शेप करने के लिए, जो आपके जो हेयर हो जाते हैं उसको शेप करने के लिए वैसे भी आपके काम आते हैं, आप उसको शेप कर सकते हैं, अपनी आईब्रोज के आसपास का अगर आपको लगता है हेयर ज्यादा हो गए हैं तो उनको एक्स्ट्रा निकालने के लिए उसको शेप कर सकते हैं, या अपने अपर लिप के हैं तो उन सारी चीजों को हेयर को भी आप निकालने में इसको शेप का जो टिंक रेजर होता है इसकी हेल्प ले सकते हैं, बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे ब्लड जो ब्लेड वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें ब्लेड होता है तो आपकी स्किन या फेस को कहीं कट ना लग जाए, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, आपको करना क्या है कि आपको स्लोली स्लोली आराम से
एकदम कहीं मतलब बिल्कुल जहां पर कोई नहीं बैठा हुआ हो, आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका उसी जगह पे होना चाहिए। तो आपको इस आराम से इसे करना है, और बीच बीच में हो सके तो आप इसे मिरर से जरूर चेक करिए, मिरर देखते रहे कि आपके फेस पे कहीं कुछ कट तो नहीं लगा या फिर कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई कहीं पर। तो वो चीज आप करते रहे, आराम से करेंगे तो ये काफी आपको अच्छा सॉल्यूशन है कि आपके जो अनवांटेड आपके हेयर है आपके उसको निकालने में आपको हेल्प करेगा। तो ये है हमारा आज का DIY है। तो ये था आज का हमारा DIY ब्यूटी हैक्स कि आपने अनवांटेड हेयर यानी कि अपनी शरीर बॉडी फेस में से जो अनवांटेड हेयर या वैक्सिंग जो भी आपकी सारी प्रॉब्लम रहती है उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको दिया है। घर बैठे बैठे ही अपने किचन के अंदर से जाइए, फटाफट वो चीजें लेके आइए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और सारी चीजों से आप फ्री हो जाइए। तो आपको कोई भी स्ट्रेस पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप घर में रहिए, सेफ रहिए और मेरी सारी चीजों को फॉलो करते रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए नए नए टिप्स लाती रहूंगी, यहाँ पर लॉकडाउन के टाइम में भी आप सारी चीजें कर सकते हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज कमेंट करना ना भूले और लाइक जरूर कर दे। ओके, सो बाय।